पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश सिंह भी साथ में मौजूद हैं। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, मनोज पांडे के घर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, समाजवादी पार्टी के एमएलए मनोज पांडे। और देखिए समाजवादी पार्टी से बगावत कर भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने साथ दिया था। और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं मनोज पांडे के घर, बीजेपी प्रत्याशी दिनेश सिंह भी साथ में मौजूद हैं। और रायबरेली से तस्वीरें सामने आ रही हैं, सपा एमएलए मनोज पांडे के घर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब देखिए रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, अब देखिए कहा जाए कि रायबरेली में भी पूरी तरह से किलेबंदी करते हुए गृह मंत्री अमित शाह, ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल शांतु जी, मैं बता दूं जिस तरह से देखा जा रहा है लगातार लोकसभा का चुनाव जो है और उसी के दौरान ये देखा जा रहा है किस तरह से रायबरेली में कमल खिलाए जा सके उसको लेकर लगातार से प्रयास जारी है। जो हाल ही में जो क्रॉस वोटिंग के लिए चर्चा में आए समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे, उनके आवास पर जो है बीजेपी के नेताओं का जो है लगातार जाने का सिलसिला देखा जा रहा है। अभी हाल ही में ब्रजेश पाठक उनके घर डिप्टी सीएम पहुंचे थे, उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी भी उनके जा चुके हैं और आज जब जनसभा को संबोधित करने के लिए रायबरेली पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो पहले सभा को उन्होंने संबोधित किया और उसके बाद सीधे जो है मनोज कुमार पांडे के घर पे वो पहुंचे और साथ में बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह भी देखे गए हैं। जिस तरह से मार्केट में चर्चा थी कि कहीं ना कहीं जो है बीजेपी को सपोर्ट मनोज पांडे को करना चाहिए था लेकिन उनकी तरफ से कुछ इस तरह का दिख नहीं रहा था हाल का, तो उसको जो डेमिट कंट्रोल था उसको मैनेज करने के उद्देश्य से जो अमित शाह जी उनके घर पे पहुंचे हैं और बाकायदा बैठक की बंद कमरे पे जो है प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह, मनोज कुमार पांडे व गृह मंत्री अमित शाह जो है बंद कमरे में उन्होंने बैठक की और आपस में लगभग जो है आधे घंटे तक बातचीत दोनों में हुई है और उसके बाद जो है फिर उन्हीं की गाड़ी से जो सपा समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे निकले हुए हैं। अब रोहित, तो क्या बातचीत हुई है दोनों नेताओं के बीच? अगर देखिए तस्वीरें जिस तरह की सामने आ रही हैं, गृह मंत्री अमित शाह मनोज पांडे से बातचीत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और क्या दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है रायबरेली में? चूंकि देखिए राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, एक मजबूत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सामने रायबरेली में इस वक्त कहा जाए कि नजर आ रहा है दिनेश प्रताप सिंह कितनी टक्कर दे पाएंगे, और दोनों के बीच क्या बातचीत हुई है, किस तरह की रणनीति कहा जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ बनाई जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी कोई इनपुट मिल पा रहा है क्या? जी बिल्कुल, हिसाब से देखा जा रहा है रायबरेली जो कि यूपी में जो हार्ड सीट पे शुमार है और रायबरेली एक लौती ऐसी सीट है जहाँ पे जो है जो देखा जाए 2019 में जो है कांग्रेस से सोनिया गांधी यहाँ से विजय हुई थी लोकसभा में, तो 2024 के चुनाव में यहाँ पर किस तरह से कमल खिलाया जा सके जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि 80 में 80 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए उसी के मद्देनजर इस तरह की बैठकें देखी जा रही है। अमित शाह उनके घर पे समाजवादी पार्टी के विधायक पहुंचे क्योंकि अगर वोट परसेंटेज की बात की तो ब्राह्मण वोट बैंक जो है रायबरेली में ज्यादा महत्व रखता है और निर्णायक भूमिका अदा करता है हार जीत में, तो उसको देखते हुए किस तरह से ब्राह्मण वोट बैंक को मूवमेंट किया जा सके, किस तरह समाजवादी पार्टी के जो विधायक है डॉक्टर मनोज कुमार पांडे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी में के पक्ष में जो है वो लोगों से अपील कर सकते हैं, किस तरह से मतदान उनके पक्ष में कराया जा सकता है, इसको लेके जो काफी रणनीति जो बन रही है उसी रणनीति का यह एक हिस्सा है कि आज गृह मंत्री अमित शाह जो है समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे के आवास पर पहुंचे थे। चलिए रोहित, नजर बना के रखिए फिलहाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। रायबरेली से तस्वीरें जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं सपा एमएलए मनोज पांडे के घर और दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात, बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश सिंह भी उनके साथ में मौजूद। और अगली खबर रायबरेली से है, गृह मंत्री अमित शाह ने दिनेश प्रताप सिंह के समर्थन में जनसभा करते हुए कहा कि रायबरेली में